हेलो फ्रेंड, मेरा नाम देवाशीष चौधरी है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप अगर एक भीएलई है, आपके पास सीएससी आईडी और पासवर्ड है, तो 17 फरवरी 2017 में एक न्यूज़ लेटर आया था हम लोगों को एडुकेशन का। वो न्यूज़ लेटर क्या था, वहाँ पे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ लिखा था। वो क्या है हम दिखा देते हैं। उस दिखाने के पहले हम और एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को, अगर आप हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप यहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब बटन लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर और एक फ़ायदा है आप लोगों को, हम कंप्यूटर मोबाइल अपना सीएससी इंटरनेट की नई नई वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब में, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और हमको आप फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक गूगल प्लस से भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम चलते हैं और CAC का एग्जामिनेशन का क्या न्यूज़ लेटर आया था। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा हमारी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए, ऊपर न्यूज़ लेटर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये न्यूज़ लेटर आ गया, चले आएंगे। तो न्यूज़ लेटर चले आने के बाद देखिए, ये एडुकेशन का जो है आधार मैंडेटरी और द BLE CCC एग्जामिनेशन, उस पर जाने के बाद आप नीचे देखिए मोर लिखा है, वहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये पेज चला आएगा आपके पास सामने। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, अगर आप इंग्लिश समझ में नहीं आता है अगर आपको, तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप हिंदी में वहाँ पे क्लिक करके हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। इस पेज में देखिए लिखा है आधार मैंडेटरी फॉर द BLE CCC। CCC का जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन में आपका जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड मैंडेटरी है। और नीचे देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, अगर आप CCC का 2016 या 17 में आप रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपका जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड का नंबर आपकी बैंक की अकाउंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ने के लिए क्यों जोड़ना पड़ेगा, CCC का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में इसमें आपको जो रुपया दे जाएगा, आपको जो CCC का जो भी पोर्टल आएगा, जो भी काम दे जाएगा आप लोगों को, वो काम करने पर आपको जो भी रुपया मिलेगा, वो रुपया आपके डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट में दे जाएगा। और भी एक बात है, अगर वो नंबर आप सही आपकी बैंक के अकाउंट के साथ जोड़िए। और दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात लिखा है, अगर आप वो रजिस्ट्रेशन में आपका जो आधार कार्ड नंबर है, वो नंबर रजिस्ट्रेशन करने पर आप नहीं दिए है आपके आधार कार्ड नंबर, तो एक मेल नंबर दिया है यहाँ पे, मेल एड्रेस दिया है, वो मेल एड्रेस पे आपका OMT ID, आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज दीजिए, तो वहाँ पे वो लोग ये अप्रूव कर दीजिएगा। सबसे अच्छा यही होगा, हमारे जो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया है, वो ईमेल एड्रेस में हमारे OMT ID, नेम और डिस्ट्रिक्ट और जो है वो लिख के भेज देंगे, तो भेजने पर वो लोग अप्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारे तो याद नहीं है, हम लोगों को तो याद नहीं है ये हम लोग का आधार कार्ड नंबर वहाँ पे लिंक किया है या नहीं, तो यही सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, थैंक यू।